सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्यूटी सीक्रेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटी सीक्रेट चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। टूथपेस्ट का इस्तेमाल हमारे दांतों की सफाई के लिए किया जाता है, लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि इसका इस्तेमाल त्वचा से जुड़ी समस्या जैसे कि पिंपल्स, ब्लैकहेड्स, डार्क सर्कल, काले होंठ और त्वचा पर मौजूद दाग धब्बे को हटाने और नाखूनों को चमकाने के लिए किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और किन चीज़ों के लिए हमें इसका इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्या इससे वाकई में फ़ायदा होता है? अगर बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें, चाहे वो टूथपेस्ट हो या इनो जैसी चीज़ें हो, इनका प्रयोग पहली ही बार में अपनी त्वचा पे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे शरीर की त्वचा के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्या टूथपेस्ट से चेहरे के दाग धब्बे और काले घेरे, पिंपल्स रिमूव किए जा सकते हैं? टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ये पीले दाग धब्बों का, कालेपन और किसी भी तरह के दाग धब्बे को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन सिर्फ दांतों के। फ्रेंड्स, टूथपेस्ट के अंदर बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्कोहल, मेंथॉल, ट्राइक्लोसेन पाया जाता है। यह सभी तत्व हमारी त्वचा को सिर्फ सुखाने का काम करते हैं, इसलिए कई बार जब हम अपने पिंपल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पिंपल्स को सुखाकर बिल्कुल छोटा कर देता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जिससे कि पिंपल्स को जड़ से हटाया जा सके। फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है तो इसे अप्लाई बिल्कुल ना करें। अगर आपके पिंपल्स पे एक छोटे से दाने हो गए तो आप इसे रात में अप्लाई करें और सुबह उठ के वॉश कर लें तो आपको आपका पिंपल्स बहुत ही छोटा और सूखा हुआ मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा पिंपल्स है और अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका यूज हम अपने कार पे अगर स्क्रैचेस पड़ गए तो आप उसे साफ करें तो स्क्रैचेस के निशान हल्के पड़ जाते हैं, और अगर आपके बाथरूम के नल में पानी के जितनी दाग धब्बे पड़ गए हैं तो आप इस कोलगेट के यूज़ से उसे रिमूव कर सकते हैं। इससे चांदी के जो ज्वेलरीज होती हैं आप उसे साफ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे अपनी त्वचा पे बिल्कुल ना लगाएं। और फ्रेंड्स, कई लोगों का दावा है कि ये डार्क सर्कल को बहुत जल्दी रिमूव करता है, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ आंखों के नीचे से बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप इसे अपनी आंखों के नीचे अप्लाई करते हैं तो आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपकी आंखें रेड पड़ सकती हैं और इसका बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट पड़ सकता है आपकी आंखों पे। हो सकता है आपकी आंखें और ज़्यादा काली पड़ जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे अपने डार्क सर्कल्स के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप इसका यूज़ इसलिए करें जिसके लिए ये बना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कोलगेट का यूज़ अपने दांतों को साफ करें, ज्वेलरी साफ करें, जिद्दी दाग धब्बे जैसे नल पे पड़ गए, स्क्रैचेस आ गए आपके कार पे, उन्हें साफ करने के लिए करें। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इसे अपने आँखों के नीचे और किस अपने त्वचा पे, फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई ना। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमें कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो इस हमारे वीडियोस पे कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। अंत में फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप हमारे नए नए वीडियोस हमेशा देख पाएँ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमें इतना समय देने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।